अंतरिक्ष में उत्तर दिशा में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। दोस्तों, यह वही तारा है जिसका नाम विष्णु भक्त ध्रुव के नाम पर रखा गया है। आइए जानते हैं इस विष्णु भक्त ध्रुव की कथा। एक समय की बात है, स्वयंभु मनु नामक राजा अपनी पत्नी रानी सतरूपा के साथ रहते थे। उनके प्रियव्रत उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आकुति तथा प्रस्ति नामक 3 कन्याएं थीं। स्वयंभु मनु के बाद उत्तानपाद राजगद्दी पर विराजमान हुए। वह भी अपने पिता के समान बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। उन्हें रानी सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। क्योंकि छोटी रानी सुरुचि ज्यादा सुंदर थी, इसलिए महाराज अपना ज्यादातर समय सुरुचि के ही महल में बिताते थे और सुनीति के पास कभी कभी जाते थे। एक बार जब महाराज सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर खिला रहे थे, इसे देखकर ध्रुव अपनी पिता की गोद में जाकर बैठ गया। तभी वहां सुरुचि आ गई। सुरुचि अपनी सौत सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव से बहुत जलती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बड़ा होने के कारण राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी ध्रुव है। ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा देखकर वह अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाई और ध्रुव को गद्दी से उतारकर अब कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन का अधिकारी भी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो, यानी जो मेरा पुत्र हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान श्री हरि नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू दोबारा मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी सिंहासन पर बैठ पाऊंगा। 5 साल का बहुत बालक सहम कर रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया और अपनी माता से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरे पिता तेरी सौतेली माता से अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण वे हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें केवल श्रीहरि नारायण का ही सहारा है और हमें किसी का सहारा नहीं है, और श्रीहरि नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला भी कोई नहीं बचा। अपनी दोनों ही माओं के शब्दों में ध्रुव के मन पर गहरा असर पड़ा। एक दिन वह घर छोड़कर जंगल में चला गया। रास्ते में उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उसे कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं श्रीहरि नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। इतने छोटे से बच्चे के मन में श्रीहरि नारायण के लिए प्रेम देखकर और भक्ति देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए नारद मुनि ने ध्रुव को नारायण की भक्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और कहा, आगे जाकर यमुना नदी के पास मधुबन नामक जगह है, तुम्हें सबसे पहले यमुना नदी में स्नान करना है, फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। ध्रुव ने बिल्कुल ऐसा ही किया। पहले महीने में ध्रुव ने पेड़ से गिरे हुए पत्तियों को खाया, अगले 2 महीने में थोड़ा सा नदी का जल पीकर तथा उसके बाद अपनी तपस्या को जारी रखा। एक छोटे से बच्चे की इतनी कठोर तपस्या को देखकर सभी भगवान अचंभित रह गए। 5 महीने की कठोर तपस्या के बाद श्री हरि नारायण ने ध्रुव को दर्शन दिए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे बालक, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें वह लोक प्रदान करूंगा जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोगकर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। इसके बाद जब सतेली माता सरुचि उसके पास आई और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने लगी तो ध्रुव ने कहा, हे माता, आप रोइए मत, अपितु आपने ही तो कहा था कि जाकर श्रीहरि नारायण की भक्ति करो, मुझे भगवान की प्राप्ति आपकी ही वजह से हुई है। दोस्तों, इस प्रकार ध्रुव तारे के रूप में प्रचलित हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।